एसिड इज ए हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आज विच गिव्स आपके सामने फ्री हाइड्रोजन आयन इन वाटर इक्विलिब्रियम चैप्टर में एच प्लस आयन जहाँ रिलीज होती है एसिड बेसिस सॉल्ट के बारे में उसी को एसिड इन्होंने कहा है राइट एसिड बेसिस सॉल्ट और बेस में क्या रिलीज होती है इक्विलिब्रियम चैप्टर क्लास 11 माइनस साइन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर वैसा सब्सटेंस में जरूर यहाँ से आता है क्वेश्चन जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा जिसे हम अलग अलग कहते हैं डेफिनेशन एसिड और बेस का दिया हुआ है सबसे पहले हमारे इस वाटर में एक्वस में एक बार लाइक जो रिलीज होता है कर देंगे तो आपके साथ और मजा आ जाएगा सब्सटेंस बेस कहलाता है मजा लेंगे आरएनएस साहब का कॉन्सेप्ट है क्या आरएनएस साहब ने किया एसिड का मतलब एच प्लस आयन बाहर जाना मेहनत करके उन्होंने और बेस का मतलब है ओएच माइनस आयन कॉन्सेप्ट दिया क्या कॉन्सेप्ट हम लोग इनका कॉन्सेप्ट और बेसिस के बारे में ये एसिड आपके सामने स्क्रीन पर और बेस रवि सर पढ़ा रहे हैं ध्यान से सुनिए किनका आरएनएस साहब का बहुत मजा आएगा फिर हम आरएनएस साहब का एसिड लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे क्या आपने एसिड में क्या हुआ आइए मजा लीजिए प्लस आयन एसिड बेसिस सॉल्ट का एसिड क्या है प्लस आयन ये रिलीज होता है आरएनएस साहब का कॉन्सेप्ट है और बेस में क्या हो रहा है ओएच माइनस आयन ये रिलीज होता है बेस का डेफिनेशन है आरएनएस साहब का कॉन्सेप्ट मेरा नहीं है रिलीज हो रही है एसिड और बेस का डेफिनेशन और ओएच माइनस आयन रिलीज हो रहा है रवि सर का अब इसको एक परफेक्ट डेफिनेशन के फॉर्म में एग्जाम में लिखना हो तो आप हालांकि ये भी लिख देंगे H प्लस आयन रिलीज OH माइनस आयन तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे बट एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग यदि आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि एन एसिड इज ए हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड which gives free hydrogen ion that is H plus ion in water. तो हम इतने proper way में लिखना हो तो लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो आप एच प्लस आयन लिख दीजिए तो भी आपकी काम हो गई यहां पे जैसे मान लीजिए एच सी एल है एच एन ओ थ्री है एच टू एस ओ फोर है उन्हें हाइड्रोजन होना चाहिए एग्जाम्पल जैसे हमने एच सी एल बताया एच एन ओ थ्री बताया एच टू एस ओ फोर बताया अब ये जैसे एच एन ओ थ्री है मान लीजिए कि HNO3 है ये एक्वस फॉर्म में यानी वाटर आप डाइल्यूट करते हैं वाटर डालते हैं इसमें तो क्या होता है H प्लस आयन और NO3 माइनस आयन ये आयन कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है यहां पे तो यहां पे देखिए H प्लस आयन रिलीज हुई H प्लस आयन रिलीज हुई बिल्कुल सेपरेट H प्लस आयन रिलीज हुई इसलिए इसको हम एसिड कहते हैं इसे हम एसिड कहते हैं तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें डायरेक्टली H प्लस आयन रिलीज होती है उसी को हम एसिड कहते हैं तो हम इसीलिए H प्लस आयन रिलीज अब बेस में क्या है OH माइनस आयन रिलीज हो रही है OH माइनस आयन अब इसका भी आप डेफिनेशन अब ऐसे लिख सकते हैं ए बेस इज ए सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन इन वाटर बेस का भी डेफिनेशन यदि लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि ए बेस इज ए सब्सटेंस विच कंटेन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन्स इन वाटर
अब एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए NaOH है, एक्वस, एक्वस मतलब वाटर में डालते हैं तो क्या होता है Na प्लस और प्लस OH माइनस आयन, तो यहां भी OH माइनस आयन रिलीज हो रही है, इसका मतलब ये बेस है। तो जहां पे OH माइनस आयन डायरेक्टली रिलीज हो वो बेस है, और जहां पे H प्लस आयन डायरेक्टली रिलीज हो वो हमारा एसिड है। तो वो बेस है, तो हम लोगों ने यहां एसिड और बेस, तो ये आरहेनियस साहब का कंसेप्ट है। अब इसमें NaOH एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, KOH का एग्जाम्पल दे सकते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, ETC, एक दो याद होना चाहिए। तो आरहेनियस कंसेप्ट का, आरहेनियस कंसेप्ट का एसिड और बेस का डिफिनिशन याद होना चाहिए। आरहेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड मतलब H प्लस आयन रिलीज, आरहेनियस कंसेप्ट ऑफ बेसिस मतलब OH माइनस आयन रिलीज। इस तरह से आपको मालूम होना चाहिए। यहां पर ध्यान दीजिए, ब्रोंस्टेड लॉरी अगला हमारा जो एसिड बेस है, ये ब्रोंस्टेड लॉरी कंजुगेट एसिड बेस हम लोग ये अभी करने जा रहे हैं। लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस, हाँ तो ये हम लोग अभी, तो हम लोग सबसे पहले आए तो आरहेनियस कंसेप्ट कर लिया हम लोगों ने, अब हम ये थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट जानेंगे फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट आइए सर। हाँ बोलिए सर, नर्स्ड इक्वेशन कौन सी है? नर्स्ड इक्वेशन क्लास 12 केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में थर्ड पेज पे लिखा हुआ है नर्स इक्वेशन, जो E सेल इज इक्वल टू इनॉट सेल माइनस 2.059 अपॉन N log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये क्लास 12 में पढ़ना है। आपको कहाँ मिल गया? नहीं सर, रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी, मैं देखता हूँ अभी, एक्चुअली वो हटा दिया है, लेकिन नर्स इक्वेशन जो रियली पढ़ना है ना वो क्लास 12 में है। अब इसमें कुछ इक्विलिब्रियम से हटाया है जो चीज अभी हम नहीं देख रहे हैं, तो मैं हालांकि नर्स इक्वेशन जो डायरेक्ट नर्स इक्वेशन है वो इसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है सर, नर्स इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में क्लास 12 में पढ़ना है डायरेक्ट। हाँ कहाँ से? वहां पर चार्जर है, शिवम का जो बैग वगैरह है ना उसी में चार्जर है, टिंकू बोला है। किसका? अरे आपका पुराना लैपटॉप का। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो देर हो जाएगा। अरे लैपटॉप भी तो देना है ना, लैपटॉप भी तो दो। हाँ दो मिनट बेटा, दो मिनट में करा रहा हूं।
स्मॉल एक्सटेंट इन एक्वस सॉल्यूशन गिव तो CH3COO नेगेटिव KCl सॉल्यूशन हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया सॉल्यूशन एक्वस। ये टर्म आती है इलेक्ट्रोलाइट, एक टर्म इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस कहते हैं करेगा। यूरिया सॉल्यूशन बना तो सॉल्यूशन NH4OH हो रही है वाटर बॉन्ड रिएक्टेंट, ये क्लास 12 में पढ़ना है आपको, मिल गया। इस तरह से आज की क्लास हम यही समाप्त कर, आपको मालूम होना चाहिए क्लास में अगली टॉपिक हम लेकर आएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, रिकॉर्डिंग इसमें ये हो रही है, मैं अगली क्लास में अगली टॉपिक आपको बताएंगे। ब्रोनस्टेड लॉरी अगला हमारा जो एसिड बेस है बताया है वो अगले क्लास में करेंगे। ये ब्रोनस्टेड लॉरी अगले क्लास कंजुगेट एसिड बेस के साथ हम लोग ये अभी करने जा रहे हैं।